हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। पिछले कुछ टाइम से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कि कोर्सेरा में हम फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन कैसे अवेल कर सकते हैं, तो मैं उसी के बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यूआरएल पे, जो आपके यहाँ पे ऑनलाइन दिए गए हैं यूआरएल, उस पर हमें इंटर करना होगा www.coursera.org। उसके बाद आपको यहाँ दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक लॉगिन, एक ज्वाइन फॉर फ्री। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन पे ईमेल आईडी अपने यूज़र इंटर करेंगे एंड पासवर्ड इंटर करेंगे। अगर आपके अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना होगा, तो साइन अप पे जाएंगे, फुल नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इंटर करके यहाँ ज्वाइन फॉर फ्री कर सकते हैं आप। अगर ईमेल आईडी है, जैसे मैंने ईमेल आईडी हमारे पास अवेलेबल है, हमने अकाउंट बना रखा है, तो मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पेज क्लिक करते ही ये हमारे पास अकाउंट दिख गया। अब हमें कुछ कोर्सेज पे हमें जैसे रजिस्टर्ड करने हैं और फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन अवेल करना है, तो हमारे पास एक कोर्सेज है जैसे विंड रिसोर्सेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज। इस पे मैं फाइनेंशियल एड अवेलेबल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये कोर्सेस आएंगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एड अवेलेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है आई एग्री टू द टर्म्स अबव। सेम आपको यही चीज आपको नीचे भी लिखनी है, तो आई एग्री टू द टर्म्स अबव, और ऊपर दो टिक दी गई है, उस पर हमें टिक करना होगा, शेयर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर एप्लीकेशन एंड कमिट्स टू फिनिश देयर कोर्सेस कोर्सेरा कोर्सेस, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एडुकेशनल बैकग्राउंड आपसे पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ एडुकेशनल बैकग्राउंड फिल करने होंगे, हाई स्कूल, सम कॉलेजेस, कॉलेज डिग्री, मास्टर डिग्री। तो मैंने इस पे मास्टर डिग्री फिल किया। मैंने एनुअल इनकम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एनुअल इनकम अगर आपकी जो है वो फिल करें, तो मैंने इस पे फिल किया 300। एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में मैंने पार्ट टाइम, फुल टाइम, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से यहाँ फिल कर सकते हैं। After that, इसमें पूछा गया how much can you afford to pay? तो मुझे कुछ भी afford नहीं कर सकता मैं, तो मैंने यहाँ पे zero किया है क्योंकि मैं कुछ भी afford नहीं कर सकता। Next यहाँ लिखा गया why are you applying for financial aid? आप क्यों financial aid के लिए avail कर रहे हो? तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है financial aid के लिए। जो मैंने यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा आई नीड फाइनेंशियल एड कोर्सेरा कोर्सेज बिकॉज आई हैव बिलोंग टू द फार्मर बैकग्राउंड्स, तो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइनेंशियली अवेल द फॉर द दिस कोर्सेस। सो मैंने इस पे यहाँ पे लिख रखा है और मैंने गेट क्वालिफाइड किया है, मुझे स्टाइपेंड मिला है, मैंने उससे पढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैंने इस पे मेंशन किया है फाइनेंशियल एड के लिए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा है हाउ विल टेकिंग दिस कोर्स हेल्प टू करियर अचीव। ये कोर्सेस आपको करियर में कैसे अचीव करने के लिए, कैसे आपको गोल्स अचीव कर सकते हो इस कोर्सेस के थ्रू, तो मैंने इसके लिए भी यहाँ पे लिख रखा है। दो पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं। पहला, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप से पढ़ा है तो ये चीजें अगर मेरे पास सर्टिफिकेट आते हैं तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये मैंने इस पे लिख रखा है, दो पॉइंट्स लिख रखे हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल्स पे आप पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आओगे तो देखोगे हेल्प अस टू इम्प्रूव। यहाँ पे आपके दो चीजें दिख रहे हैं, क्या आप इसके लिए जो कोर्सेस अवेल कर रहे हो उसके लिए आप लोन लेना चाहोगे? तो मैंने इस पे लिखा नहीं, मैं कोई भी लोन लेना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैंने नो पे टिक किया है।
अगर आपने नो पे टिक किया है तो आप क्यों नहीं लोन लेना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने इसके लिए भी लिख रखा है यहाँ पे। आई नीड फाइनेंशियल एप्लीकेशन बिकॉज आई हैव द फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी पुअर एंड फार्मर बैकग्राउंड, सो आई एम नॉट एबल टू अवेल दिस लोन। सो मैंने इस पे लिखने के बाद मैंने सारी चीज़ें फिल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने सबमिट एप्लीकेशन क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन पे दिखेगा कि एप्लीकेशन अप्रूव्ड, 13 अगस्त को आपके पास एप्लीकेशन अप्रूव होगा। तो 13 अगस्त को आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अप्रूव होगा, मीन्स आफ्टर 15 डेज, जिस दिन आप अप्लाई करते हो उसके 15 डेज के बाद आपके पास अप्रूवल आ जाएगा, अप्रॉक्स 15 डेज के पास अप्रूवल आ जाएगा कि आपने कोर्सेज के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेल कर चुके हो। तो ये था कि कोर्सेज आप कैसे कर सकते हो, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। जैसे मैंने इस पे दिखाया आपको, बहुत सारे इसमें कोर्सेस अवेल हैं, आप कर सकते हो। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेस हैं, बिजनेस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, डाटा साइंस के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मैथ्स एंड लॉजिक, पर्सनल डेवलपमेंट, फिजिकल साइंस इंजीनियरिंग। फिजिकल साइंस इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारे इसमें इंजीनियरिंग के ब्रांचेस दिख जाएंगे, इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च मेथड्स, सोशल साइंस है, लैंग्वेज लर्निंग, डिग्री कोर्सेज भी हैं आपके पास, मास्टर डिग्री कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, एंड देन सर्टिफिकेट कोर्सेज इज देयर। सो इस कोर्सेज में आप अवेल कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।